टॉप 5 बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन अंडर 30,000 रुपीज इन 2024। दोस्तों, अगर आपका बजट 30,000 के आसपास में है और आपको इस बजट में एक अच्छा स्मार्टफोन चाहिए या फिर कोई ऐसा स्मार्टफोन चाहिए जिसका कैमरा काफी तगड़ा लेवल का हो, तो ये वीडियो आपको एक अच्छा कैमरा फोन लेने में काफी हेल्प करेगा, क्योंकि मैंने 30,000 के बजट में आने वाले ढेरों सारे स्मार्टफोन में से 5 सबसे बेस्ट स्मार्टफोन को अपने लिस्ट में रखा है, जिसमें कैमरा काफी लाजवाब का मिलेगा, OIS का सपोर्ट होगा, 4K तक की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। कैमरा तो इन सभी फोन्स में काफी बढ़िया मिलेगा ही, इसके अलावा भी सभी फीचर्स काफी लाजवाब का होगा। तो अगर आप इन सभी फोन्स के बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हैं और आपको अभी के टाइम पे एक अच्छा बढ़िया स्मार्टफोन चाहिए, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो को। तो गाइस, लिस्ट में पहला बेस्ट स्मार्टफोन आता है वीवो की तरफ से, वीवो V29 5G। अगर आपको 30,000 के अंडर में वीवो की तरफ से आने वाले एक अच्छा बढ़िया स्मार्टफोन चाहिए जिसका कैमरा वगैरह काफी तगड़ा लेवल का हो, तब आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। तो क्या स्पेसिफिकेशन के साथ ये फोन आता है, चलिए देखते हैं। तो इसमें 6.78 इंच का फुल HD+ कर्व AMOLED डिस्प्ले मिलेगा। इसमें 120Hz का ये रिफ्रेश रेट एंड HDR10+ का सपोर्ट है। डिस्प्ले काफी बढ़िया मिलेगा। अब बात करते हैं इस फोन का कैमरा का, तो इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, सेकेंड कैमरा अल्ट्रा वाइड कैमरा है जो कि 8 मेगापिक्सल का है, थर्ड कैमरा 2 मेगापिक्सल का है एंड सेल्फी कैमरा वो 50 मेगापिक्सल का है। प्राइमरी कैमरा का 1.8 का अपर्चर है एंड उसी में OIS का सपोर्ट मिलेगा और पीछे का कैमरा से 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30fps पर। भाई साहब, कैमरा इस फोन का काफी लाजवाब का मिलेगा, जिससे आप अच्छा खासा फोटोग्राफी वीडियोग्राफी इस फोन के कैमरा से कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस फोन का सेल्फी कैमरा जो है ना वो काफी तगड़ा लेवल का है और व्लॉगिंग वगैरह करने के लिए फोन का कैमरा काफी बढ़िया है। अब प्रोसेसर की बात करेंगे तो इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G वाला प्रोसेसर मिलेगा जो कि 5G प्रोसेसर है एंड 6nm पर बना हुआ है। वैसे जनरली ये प्रोसेसर जो है ना 20,000-25,000 वाले फोन में मिलता है और 30,000 वाले फोन में ये प्रोसेसर मिल रहा है तो खराब तो नहीं है, बट इससे बेहतर प्रोसेसर होता तो काफी बढ़िया होता। 5.5 लाख के आसपास अंतुतु स्कोर है। बैटरी की बात करेंगे तो इसमें 4600mAh का बैटरी मिलेगा जो कि सपोर्ट करता 80W का चार्जर को। चार्जिंग स्पीड का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि लगभग 16 से 17 मिनट में 0 से 50% चार्ज करके दे देगा आपके फोन को, तो ये चीज ठीक है। अब बात करते हैं इस फोन का रैम स्टोरेज का, तो इसमें 8GB का रैम एंड 128GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा। बैक साइड इस फोन का ग्लास का बना हुआ है, 186 ग्राम वेट के साथ आता है एंड 7.46mm का थिकनेस है। काफी पतला एंड लाइट वेट सा फोन है और डिजाइन वाइज ये फोन दिखने में काफी खूबसूरत सा भी लगता है। इसमें 3.5mm वाला हेडफोन जैक नहीं मिलेगा। सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सेंसर दिया गया है। ये फोन फनटच OS 13 के साथ आता है जो कि एंड्रॉइड 13 पर बेस्ड है और अच्छी बात यह है कि ये फोन IP68 रेटिंग के साथ आता है। अब चलिए फाइनली बात कर लेते हैं इस फोन का प्राइस का, तो वैसे तो इस फोन का बेस वेरिएंट का प्राइस फिलहाल के टाइम पे 33,000 रुपया है, बट HDFC SBI बैंक के डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड पर आपको 2,500 रुपया का डिस्काउंट मिल जाएगा, तब ये फोन आपको 30,000 के आसपास में आराम से मिल जाएगा। और हाँ, ध्यान रहे कि कुछ ही दिनों में रिपब्लिक डे सेल चलने वाला है और उस सेल में अगर आप फोन को लेते हैं तो उसमें आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाएगा, तो ऐसे में आप चाहे तो वेट कर सकते हैं। अब चलिए वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपने लिस्ट का अगला फोन का। अब गाइस, लिस्ट में दूसरा बेस्ट स्मार्टफोन आता है OnePlus की तरफ से, OnePlus Nord 3 5G। अगर आपको 30,000 के अंडर में OnePlus की तरफ से आने वाले एक अच्छा तगड़ा फोन चाहिए या फिर कोई ऐसा स्मार्टफोन चाहिए जिसका कैमरा सही हो, तब आप इस फोन की तरफ भी देख सकते हैं। तो क्या स्पेसिफिकेशन के साथ ये फोन आता है, चलिए जल्दी से देख लेते हैं। तो गाइस, इसमें 6.74 इंच का फुल HD+ फ्लूइड AMOLED डिस्प्ले मिलेगा जो कि पंच होल डिस्प्ले है। इसमें 120Hz का ये रिफ्रेश रेट मिलेगा एंड 1450 nits का पीक ब्राइटनेस दिया गया है और हाँ, HDR10+ का सपोर्ट भी मिलेगा। इसके ऊपर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन है, तो डिस्प्ले बढ़िया मिलेगा। अब बात करते हैं इस फोन का कैमरा का, तो गाइस, इस फोन के बैक साइड 3 कैमरा मिलेगा। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, सेकंड कैमरा अल्ट्रा वाइड कैमरा है जो कि 8 मेगापिक्सल का है, थर्ड कैमरा 2 मेगापिक्सल का है जो कि मैक्रो सेंसर है एंड सेल्फी कैमरा वो 16 मेगापिक्सल का है। मेन कैमरा का 1.8 का अपर्चर है एंड उसी में OIS का सपोर्ट मिलेगा। अच्छी बात यह है कि आप पीछे का कैमरा से 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30fps पर एंड 60fps पर, और 1080p पर भी वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30fps पर एंड 60fps पर। ऐसे केवल 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे केवल 30fps पर। कैमरा इस फोन का काफी तगड़ा लेवल का है। अब बात करते हैं इस फोन का परफॉर्मेंस का, तो गाइस, इसमें MediaTek Dimensity 9000 वाला प्रोसेसर मिलेगा जो कि 4nm पर बना हुआ है एंड लगभग 8.5 लाख के आसपास अंतुतु स्कोर है। प्रोसेसर जो है ना काफी पावरफुल मिलेगा एंड स्कोर भी काफी ज्यादा एंड काफी बढ़िया है। अगर आप इस फोन में गेमिंग भी करना चाहेंगे तो वो भी कर पाएंगे। बैटरी की बात करेंगे तो इसमें 5000mAh का
बैटरी मिलेगा जो कि सपोर्ट करता है 80 वाट का चार्जर को। इसमें 8GB का रैम एंड 128GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा। बाकी बात बिल्ड क्वालिटी की बात करेंगे तो इस फोन का बैक साइड ग्लास का बना हुआ है एंड प्लास्टिक का ही फ्रेम है। 8.2mm का थिकनेस है एंड 193 ग्राम इस फोन का वेट है। वेट और थिकनेस एवरेज टाइप का है और डिजाइन वाइज ये फोन दिखने में काफी खूबसूरत सा लगता है। स्टूडियो स्पीकर्स मिल जाएगा, एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड नहीं लगा पाएंगे, ना ही 3.5mm वाला हेडफोन जैक मिलेगा। IP54 का रेटिंग है। सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सेंसर मिल जाएगा। और यूजर इंटरफेस की बात करेंगे तो ये फोन ऑक्सीजन OS 13.1 के साथ आता है जो कि एंड्रॉइड 13 पर बेस्ड है। चलिए आइए फाइनली बात कर लेते हैं इस फोन का प्राइस का। तो गाइस इस फोन का बेस वेरिएंट का प्राइस फिलहाल के टाइम पे 29,999 रुपया यानी कि 30,000 रुपया है। और 30,000 के बजट में OnePlus के तरफ से आने वाला एक अच्छा बढ़िया स्मार्टफोन है। तो अगर आप इस फोन को लेना चाहे तो ले सकते हैं। अब चलिए वीडियो में अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपने लिस्ट का अगला फोन का। अब लिस्ट में तीसरा बेस्ट स्मार्टफोन आता है iQOO की तरफ से, iQOO न्यू 7 Pro। ये फोन उनके लिए बेस्ट होगा जिनको अच्छा कैमरा के साथ साथ बढ़िया परफॉर्मेंस भी चाहिए। और भाई iQOO स्पेशल गेमिंग के लिए जाना जाता है, बट इस बार ऐसा नहीं है, कैमरा भी काफी तगड़ा लेवल का मिलेगा इस फोन का। तो क्या कुछ इस फोन में मिलेगा, क्या स्पेसिफिकेशन के साथ ये फोन आता है, चलिए देखते हैं एकदम डिटेल से। तो इसमें 6.77 इंच का फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले मिलेगा जो कि पंच होल डिस्प्ले है। इसमें 120Hz का रिफ्रेश रेट एंड 1300 nits का पीक ब्राइटनेस दिया गया है और हाँ HDR 10 प्लस का सपोर्ट भी है। नो डाउट डिस्प्ले सही है। अब बात करते हैं इस फोन का कैमरा का। तो भाई इस फोन के बैक साइड 3 कैमरा मिलेगा यानी कि ट्रिपल कैमरा सेटअप है। प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, सेकेंडरी कैमरा अल्ट्रा वाइड कैमरा है जो कि 8 मेगापिक्सल का है, थर्ड कैमरा 2 मेगापिक्सल का है जो कि मैक्रो सेंसर है एंड सेल्फी कैमरा वो 16 मेगापिक्सल का है। मेन कैमरा का 1.9 का अपर्चर है एंड उसी में OIS का सपोर्ट मिलेगा और आप मैक्सिमम 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30fps पर। गाइस इस फोन का कैमरा जो ना काफी तगड़ा लेवल का मिलेगा, खास करके प्राइमरी कैमरा इस फोन का काफी बेटर है। अब परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1 वाला प्रोसेसर मिलेगा। गाइस ये प्रोसेसर 4nm पर बना हुआ है एंड प्रोसेसर काफी हैवी लेवल का मिलेगा। अगर आपको इस बजट में एक अच्छा किलर गेमिंग फोन भी चाहिए तो इस चीज के लिए भी ये फोन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बैटरी की बात करेंगे तो इसमें 5000mAh का बैटरी मिलेगा जो कि सपोर्ट करता है 120 वाट का चार्जर को। चार्जिंग स्पीड का अंदाजा इस बात से आप लगा सकते हैं कि 8 मिनट में 0-50% चार्ज करके दे देगा आपके फोन को, तो काफी अच्छी बात है। और 5000mAh का बैटरी मिल रहा है तो बैकअप मिल जाएगा आपको। रैम स्टोरेज की बात करेंगे तो इसमें 8GB का रैम एंड 128GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा। इसके अलावा बिल्ड क्वालिटी की बात करेंगे तो इस फोन का बैक साइड ग्लास एंड लेदर का बना हुआ है एंड प्लास्टिक का ही फ्रेम है। 8.5mm का थिकनेस है एंड 197 ग्राम इस फोन का वेट है। वेट और थिकनेस एवरेज टाइप का है और डिजाइन वाइज ये फोन दिखने में काफी खूबसूरत सा भी लगता है। इसमें 3.5mm वाला जैक नहीं मिलेगा, स्टूडियो स्पीकर्स मिल जाएगा। सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सेंसर मिलेगा, फेस अनलॉक का सपोर्ट भी है। और यूजर इंटरफेस की बात करेंगे तो ये फोन फनटच 13 के साथ आता है जो कि एंड्रॉइड 13 पर बेस्ड है। चलिए आइए फाइनली बात कर लेते हैं इस फोन का प्राइस का। तो वैसे Amazon पर इस फोन का प्राइस फिलहाल के टाइम पे 33,000 रुपया है, बट अगर आप इस फोन को बैंक ऑफर लगाकर खरीदेंगे तो फिलहाल के टाइम पे ये फोन आपको मिल जाएगा 29,999 रुपया में। कार्ड वगैरह अप्लाई करने के बाद ये फोन आपको 30,000 रुपया में आराम से मिल जाएगा और इस बजट में आने वाला एक अच्छा तगड़ा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। तो अगर आप इस फोन को लेना चाहे तो ले सकते हैं। अब चलिए वीडियो में अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपने लिस्ट का अगला फोन का। अब लिस्ट में अब आता है Realme की तरफ से Realme 11 Pro Plus 5G। अगर आपका बजट 25-26 हजार रुपया है और आपको इस बजट में एक अच्छा बढ़िया स्मार्टफोन चाहिए जिसका कैमरा तगड़ा लेवल का हो, तब आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। तो क्या स्पेसिफिकेशन के साथ ये फोन आता है, चलिए देखते हैं एकदम डिटेल से। तो पहले स्टार्ट करते हैं इस फोन का बिल्ड क्वालिटी वगैरह से ही। बैक साइड इस फोन का लेदर का बना हुआ है एंड प्लास्टिक का ही फ्रेम है। 183 ग्राम वेट के साथ आता है एंड 8.2mm का थिकनेस है। लाइट वेट सा फोन है और डिजाइन वाइज ये फोन दिखने में काफी खूबसूरत सा लगता है। इसमें 3.5mm वाला जैक नहीं मिलेगा, ना ही एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड लगाने का ऑप्शन होगा। स्टूडियो स्पीकर्स मिल जाएगा, सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सेंसर दिया गया है। यूजर इंटरफेस की बात करेंगे तो ये फोन कलर OS V13 के साथ आता है जो कि एंड्रॉइड 13 पर बेस्ड है। अब डिस्प्ले की बात करेंगे तो इसमें 6.7 इंच का फुल HD प्लस कर्व्ड OLED डिस्प्ले मिलेगा जो कि पंच होल डिस्प्ले है। स्मूथनेस की बात करेंगे तो इसमें 120Hz का रिफ्रेश रेट एंड 360Hz का टच सैंपलिंग रेट दिया गया है और
950 nits का पीक ब्राइटनेस है और हाँ HDR 10 प्लस का सपोर्ट भी है। कर्व डिस्प्ले मिल रहा है तो काफी अच्छी बात है, डिस्प्ले काफी बढ़िया मिलेगा एंड स्मूथनेस ब्राइटनेस वगैरह सब कुछ एकदम तगड़ा लेवल का है। कैमरा की बात करेंगे तो उसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा, मेन कैमरा 200 मेगापिक्सल का है, सेकंड कैमरा अल्ट्रा वाइड कैमरा है जो कि 8 मेगापिक्सल का है, थर्ड कैमरा 2 मेगापिक्सल का है एंड सेल्फी कैमरा वो 32 मेगापिक्सल का है। प्राइमरी कैमरा का 1.7 का अपर्चर है एंड उसी में OIS का सपोर्ट मिलेगा। सेल्फी कैमरा में सोनी MX615 वाला सेंसर लगा हुआ है। अच्छी बात यह है कि आप पीछे का कैमरा से 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30 FPS पर। नो डाउट इस बजट के हिसाब से कैमरा इस फोन का काफी लाजवाब का मिलेगा। 25-26 हजार के बजट के हिसाब से कैमरा इस फोन का काफी बढ़िया है। अब बात करते हैं इस फोन का परफॉर्मेंस का तो इसमें MediaTek Dimensity 7050 वाला एक अच्छा पावरफुल 5G प्रोसेसर मिलेगा जो कि 6nm पर बना हुआ है एंड लगभग 5.5 लाख के आसपास अंतुतु स्कोर है। इस बजट के अकॉर्डिंग प्रोसेसर सही है। अब बात करते हैं इस फोन का बैटरी का तो बैटरी की बात करेंगे तो इसमें 5000mAh का बैटरी मिलेगा जो कि सपोर्ट करता है 100W का चार्जर को। रैम स्टोरेज की बात करेंगे तो इसमें 8GB का रैम एंड 256GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा। ये इस फोन का बेस वेरिएंट है एंड इसका प्राइस फिलहाल के टाइम पे 25,999 रुपया यानी कि 26,000 रुपया है। वैसे इस फोन का टॉप वेरिएंट भी आता है 12256 जिसका प्राइस फिलहाल के टाइम पे 29,999 रुपया यानी कि 30,000 रुपया है। तो मेरे ख्याल से इस फोन का बेस वेरिएंट एक अच्छा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। अदरवाइज आपकी मर्जी, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से देख सकते हैं इस चीज को। तो चलिए वीडियो में अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपने लिस्ट का आखिरी फोन का। अब तो लिस्ट में आखिरी बेस्ट स्मार्टफोन आता है पोको की तरफ से, पोको F5 5G। भाई अगर आपको 30,000 के अंडर में एक अच्छा ऑलराउंडर टाइप का बेस्ट स्मार्टफोन चाहिए तब आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। अभी के टाइम पे पोको के फोन को लेने में लोग बहुत ज्यादा डरते हैं, उन्हें डर होता है कि कहीं फोन डेड ना हो जाए। हाँ ये बात सही है कि कुछ टाइम पहले ये प्रॉब्लम चल रहा था बट अभी के टाइम पे ऐसा नहीं है, अभी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। खैर अगर आपको 30,000 के अंडर में एक अच्छा बढ़िया स्मार्टफोन चाहिए जिसका कैमरा भी बढ़िया हो तब आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। क्या कुछ इस फोन में मिलेगा, क्या स्पेसिफिकेशन के साथ ये फोन आता है, चलिए देखते हैं एकदम डिटेल से। तो इसमें 6.67 इंच का फुल HD प्लस पंच होल एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट एंड 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट दिया गया है, 1000 निट्स का पीक ब्राइटनेस मिलेगा एंड इसके ऊपर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन दिया गया है और हाँ HDR 10 प्लस का सपोर्ट भी मिलेगा। तो डिस्प्ले फर्स्ट क्लास मिलेगा एंड स्मूथनेस ब्राइटनेस वगैरह सब कुछ बढ़िया है। कैमरा की बात करेंगे तो इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा, मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का है, सेकंड कैमरा अल्ट्रा वाइड कैमरा है जो कि 8 मेगापिक्सल का है, थर्ड कैमरा 2 मेगापिक्सल का एंड सेल्फी कैमरा वो 16 मेगापिक्सल का है। मेन कैमरा का 1.7 का अपर्चर है एंड उसी में OIS का सपोर्ट मिलेगा और आप पीछे का कैमरा से 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30 FPS पर और फ्रंट कैमरा से 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30 FPS पर एंड 60 FPS पर। कैमरा नो डाउट इस बजट के हिसाब से काफी लाजवाब का मिलेगा बट मेरे ख्याल से इस फोन का अल्ट्रा वाइड कैमरा और थोड़ा सा बेटर होना चाहिए था। खैर कोई नहीं, कैमरा इस फोन का बढ़िया मिलेगा। अब बात करते हैं फोन का परफॉर्मेंस का तो गाइस इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7 प्लस जेन 2 वाला प्रोसेसर मिलेगा जो कि 4nm पर बना हुआ है और 9.5 लाख के आसपास अंतुतु स्कोर है। LPDDR5 का रैम एंड UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप मिलेगा। भाई प्रोसेसर काफी हैवी लेवल का मिलेगा एंड स्कोर भी काफी ज्यादा एंड काफी बढ़िया है। अगर आपको इस बजट में एक अच्छा गेमिंग फोन भी चाहिए तो इस चीज के लिए भी ये फोन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बैटरी की बात करेंगे तो इसमें 5000mAh का बैटरी मिलेगा जो कि सपोर्ट करता है 67W का चार्जर को, चार्जर बढ़िया है और 5000mAh का बैटरी मिल रहा है तो बैकअप मिल जाएगा ठीक। रैम स्टोरेज की बात करेंगे तो इसमें 8GB का रैम एंड 256GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा। बिल्ड क्वालिटी की बात करेंगे तो ये फोन प्लास्टिक बॉडी के ही साथ आता है, 181 ग्राम वेट के साथ आता है एंड 7.98mm का थिकनेस है, पतला एंड लाइट वेट सा फोन है और डिजाइन वगैरह को देख लीजिएगा आप अपने हिसाब से। अच्छी बात यह है कि इसमें 3.5mm वाला जैक मिल जाएगा, जनरली इस बजट के फोन में ये चीज नहीं मिलता है। हाइब्रिड स्लॉट मिलेगा, सिक्योरिटी के लिए साइड फिंगरप्रिंट का सेंसर दिया गया है। यूजर इंटरफेस की बात करेंगे तो ये फोन MIUI 14 के साथ आता है जो कि Android 13 पर बेस्ड है। तो चलिए आइए फाइनली बात कर लेते हैं इस फोन का प्राइस का। तो ये फोन दो वेरिएंट में आता है, बेस वेरिएंट का प्राइस यानी कि 8256 वाले वेरिएंट का प्राइस फिलहाल के टाइम पे 29,999 रुपया यानी कि 30,000 रुपया है। वैसे इस फोन का टॉप वेरिएंट भी आता है 12256 जिसका प्राइस फिलहाल के टाइम पे 33,999 रुपया यानी कि 34,000 रुपया है। तो 30,000 के बजट में ये एक अच्छा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है एंड इसका कैमरा बढ़िया मिलेगा, तो अगर आप इस फोन को भी लेना चाहे तो ले सकते हैं। और वैसे भी इस वीडियो में मैंने 30,000 के बजट में आने वाले 5 सबसे बेस्ट स्मार्टफोन को बता दिया है जिसका कैमरा बढ़िया है। अब आप अपने बजट एंड रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनमें से किसी को भी कंसीडर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो के साथ।